हेलो गाइस, वेलकम बैक विद आवर ब्लॉग। सो हम लोग आ चुके हैं एक मिलेनियम मॉल में, फिनिक्स मॉल है। एक्चुअली मेरे बाल पे ध्यान मत देना यार, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। एक्चुअली मैं बाइक से आया ना, सो यहाँ पे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। एंड चलो ऊपर से चलते हैं हम लोग और आप लोगों को दिखा दें कितना बड़ा मॉल है। वैसे तो ये कहते हैं कि एशिया का सेकेंड बिगेस्ट मॉल है, लेट्स सी। वैसे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना भी बना है उतना हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं व्हाट आर द न्यू थिंग्स। एंड अच्छा लग रहा है। ये देखो यार, हम अमित भाई के साथ में आए हैं, स्पॉन्सर हमारे यहाँ के। ओके अमित भाई, कैसा है? एकदम मस्त है। कैसा लग रहा है मॉल, कैसा लग रहा है पहले बताओ। एकदम मस्त लग रहा है। इवन जो कलर की जो लाइटनिंग है वो काफ़ी मॉडरेट रखा है, लेकिन आंखों को चुभ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। बहुत डीम सा लाइट है एंड बहुत डिसेंट सा है। रुको मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा 360 व्यू है, मतलब मैं पूरा घूम के दिखा रहा हूँ आपको। एंड मॉल काफ़ी बड़ा है, मॉल बहुत बड़ा है। और ये रहे अमित। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि हम लोग ना नीचे घूम लेंगे जितना रहेगा जो भी रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए जाएंगे। वहाँ पे यार बाल बस खराब हो गए मेरे से। डेना इसके बाल सही है भाई, मतलब इसके डैडी बाहर गए, इसके डैडी ना गाँव गए, तो इसने ना मस्त सा सेट बिट करा के भाई कटिंग वटिंग कराया। और जब इसके डैडी रहते ना तो बिल्कुल भाई बालों को ना हाथ भी नहीं लगाता, एक या दो नंबर है। ऐसा लगता नहीं है भाई, जैसा आज दिख रहा है ना वैसा नहीं दिखता आप लोगों को। दोगला बंदे भाई, सॉरी सेकंड फ्लोर पे आ गए। हाँ रुको मैं आपको एक मॉन्यूमेंट दिखाता हूँ जो बहुत तगड़ा दिखा है, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है, ग्लिटरी काइंड ऑफ है, चमकेला चमकेला है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब ये ऐसे डांसिंग गर्ल्स काइंड ऑफ है नहीं क्या? और इनके बारे में जो है डिटेल्स वो यहाँ पे दिया गया है। ये देखो ये, और ये देखो यार यहाँ पे है पूरा ब्लू प्रिंट आपके पास में कि यहाँ पे क्या क्या है। अब मतलब ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए ऐसा, बट जब तक पूरा बन जाएगा ना तो कुछ यूं ऐसा दिखेगा, पूरा डिजिटल डिस्प्ले। हाँ कौन से ब्रांड वो दिखता है, हाँ मतलब कौन से ब्रांड्स यहाँ पे हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा आराम से। चलो शूज देखते हैं यार, शूज यहाँ पे कौन से हैं। देखो ये सारे ब्रांड्स हैं, ये सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे हैं। मोची भी है, मतलब अगर किसी को पसंद होगा तो मोची भी है यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो यहाँ पे कोलैब हुए। मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी फ्रंट कैमरा ऑन करने का अभी टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें ना जो आप देख के बोलोगे वाव, जस्ट वाव, ब्यूटीफुल। देखो हमारे अमित भाई चल रहे बीच में, यहाँ पे एक्सप्लोर कराएंगे कि कहाँ कहाँ हमें अभी जाना है इनके साथ में। लेट्स गो, चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे क्या क्या नई नई चीज़ें हैं। सो वैसे बताओ यार, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो। ब्लॉगर ऐसे फोटो कौन निकालता है? कहूँ कि इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि 360 व्यू ना इसका परफेक्ट है, मतलब इतना तगड़ा वाला व्यू मैंने यहाँ से पहले देखा नहीं था। और जितने भी मॉल में गया तो वो बहुत छोटे होते थे, जस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर ही जस्ट कम्प्लीट किया है और इतनी सारी चीज़ें हमें मिल गई देखने के लिए। मतलब जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बस ऐसा लग रहा है कैमरा लेके जाऊँ और जस्ट रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इतने तगड़े, इतने अच्छे, इतने मतलब कहते हैं जो कॉन्सेप्ट क्रिएटिविटी होती है ना, क्रिएटिविटी लेवल भाई इतनी है, इतनी मत। चलो आगे कुछ है, वैसे आगे है कुछ तो। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है ना चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ शॉप्स जो अभी तक ओपन नहीं हुई हैं यहाँ पे, आधे शॉप्स जो अभी जस्ट रिसेंटली ओपन हुए हैं। इवन अभी मतलब कहते हैं ना फुल स्ट्रेंथ होता है वो अभी नहीं लगाया है, मतलब ये 1/3 है ना पांडे। ये देखो श्री मिलेनियम, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के बाद ना सिर्फ मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कुछ नहीं, सच बता रहा हूँ, मतलब वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, मतलब वाओ ब्यूटीफुल। ये मतलब मैंने ये शब्द कहते कहते थक चुका हूँ, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी। इवन यहाँ पे क्रोमा भी है, देखो टाटा का भी है, टाटा का और यहाँ पे क्रोमा। और ये हम अभी जा रहे हैं कौन से वाले फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग? अभी हम जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। सो अभी जैसे देख सकते हो यार, अभी आज हम लोग जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे। अभी से पहले फर्स्ट कवर किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी जा रहे हैं फोर्थ पे। ब्रांड्स देखो यार, मतलब ब्रांड्स का भरमार है भाई, भरमार, इतने ब्रांड्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ब्रांड लेना है। यहाँ से ना ग्राउंड फ्लोर से ही फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, क्योंकि हम आए हैं अभी। हाँ ग्राउंड है, हम लोग पहले अंडरग्राउंड में थे, ग्राउंड में गए, अभी हमें पता चला ये फर्स्ट ग्राउंड है, सेकंड है क्या? सेकंड है, यहाँ पे अंडरग्राउंड ही चालू है। ये क्या मैंने सुन लिया, मतलब अभी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे वो सिर्फ सेकंड फ्लोर था, इवन थर्ड और फोर्थ था ही नहीं यहाँ पे।
समझ रहे हो कि ब्रांड्स देखो भाई, ब्रांड्स जिसको भाई सच, ये वीडियो उन सभी को शेयर करना जो ब्रांड्स ब्रांड्स करते रहते हैं, नहीं क्या? हाँ भाई, ब्रांडेड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, ये मॉल नहीं है, ब्रांड्स ऑफ मॉल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही मिलती हैं और कोई चीज़ नहीं मिलती। ये देखो जैसे कि वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी आधी चीज़ें जो आधी चीज़ें हैं वो अभी तक बनी नहीं है, मतलब ये हाफ के हाफ पोटेंशियल में भी ये काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो, ये हाफ है अभी, ये हाफ का हाफ है और हम लोग ऐसे कह रहे थे कि फोर्थ फ्लोर है, बट नहीं, ये फोर्थ फ्लोर नहीं, वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे लिखा है सेकंड फ्लोर को, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। वो देखो गाइस, ये है सेकंड फ्लोर है और हम लोग को लग रहा था कि हम ना थर्ड फ्लोर पे, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। और ये देखो, ये हमें मिल गया, हम जा रहे थे ऐसे सडनली हमें ये मिल गया देखने के लिए। वो देखो उधर, देखो उधर, ये देखो, रुको मैं पास चलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा दिख रहा है भाई। मतलब शॉपिंग वॉपिंग, मतलब यहाँ पे आने के लिए जेब भर के लाना पड़ेगा यार, और सच बता रहा हूँ भाई, मतलब कोई भी आपको एक आलतू फालतू ब्रांड बिल्कुल नहीं देगा, सारे के सारे ब्रांड्स जो है ना बहुत तगड़े वाले ब्रांड्स हैं एंड सबका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये देखो ताशा, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बिग ब्रांड्स, कोई भी आपको ना लोकल मिलेगा ही नहीं। ये देखो सिंस 1881, देख रहे हो आप कितना, मतलब कितना पुराना हो, कितना तगड़ा वाला ब्रांड होगा, कितना अच्छा ब्रांड होगा, नाम रेपुटेशन ब्रांड सब टॉप नॉच। ये देखो यहाँ पे ब्रांड्स हैं, यहाँ पे ना फ्लोर का आइडिया बिल्कुल नहीं होता कि आप कौन से फ्लोर पे, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं कौन से फ्लोर पे अभी आया हूँ। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग थर्ड सेकंड फ्लोर पे हैं, बट कोई आके कहता है ये तो फर्स्ट फ्लोर है यार। अभी देखो ऊपर चलना है, ओके नाउ आई गॉट इट भाई। देखो यार जहाँ पे हम लोग थे वो शायद फर्स्ट फ्लोर था, जो भी जितनी भी चीज़ें हमने देखी वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की थी, बट अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। मतलब मैंने कितने फ्लोर कवर किए पता ही नहीं है, मतलब फ्लोर के बारे में किसी से पूछना ही नहीं है भाई, कितना फ्लोर है, बस चलते जाओ भाई, बस चलते जाओ। और नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडिया हर जगह मिलेंगे, हर जगह। थर्ड पे भी इतना कुछ हुआ नहीं है। हाँ वही मतलब थर्ड पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कुछ बना हुआ है, बट जैसे कि अपने एडवर्टाइजिंग के लिए इन लोगों ने काफ़ी कुछ करके रखा है, जो ये जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कमिंग सून, मोस्ट ऑफ द जगह कमिंग सून ही लिखा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा पूरा बनने में। हाँ मतलब यहाँ पे थिएटर्स भी होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, इतना बड़ा मॉल है तो प्लेन गेम्स भी है खेलने के लिए यहाँ पे, चलो हम लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, डोमिनोज भी है, मतलब आप जो ब्रांड्स के बारे में सोच सकते हो ना वो। ब्लॉग बताने खुश हैं, तुम कहाँ पे पार्टी दे रहे हो भाई? पार्टी भी यूट्यूब से पैसे नहीं है भाई, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा पैसे वैसे है तो कुछ नया एक्सप्लोर करें, कुछ नए नए जगह पे जाएं और आपको अच्छा अच्छा और कॉन्टेंट दे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड आगे चलते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो यार, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये इसे पूरे एरिया को कवर करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे लग रहा है कि इवन चलो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, सो थोड़ा सा घर पे जाने के बाद वॉइस ओवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है एंड आपको पता है अगर वॉइस क्लियर ना हो तो ब्लॉग देखने मज़ा नहीं आ रहा। वैसे ये फूड कोर्ट है यहाँ पे, हम लोग आए हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो पूरा अच्छा वाला दिख रहा है व्यू, मतलब सब कुछ ग्रीन है, वैसे ये ऑर्गेनिक नहीं है, सब प्लास्टिक के, तो इसका चिंता मत करना कि यहाँ पे मच्छर अच्छा होंगे, थीम अच्छा रखा है, ग्रीनरी है पूरा, मतलब अगर वर्क प्लेस के लिए अगर देखें ना कि अगर आप काम करके आओ या कहीं से थक भी गए हो तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके अगर आप बैठ भी जाओगे ना आपको भाई शांति मिलेगी, क्योंकि पूरी जगह हरियाली है, नॉट इन रॉन्ग सेंस हरियाली है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो तो ग्रीनरी है, ग्रीनरी काइंड ऑफ बना के रखा है इन लोगों ने पूरा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठ के अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ़ोन से बतिया रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनको, और हम लोग यहाँ पे ब्लॉग कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे सिग्नल मार यार सच बता रहा हूँ यार, एक्चुअली फूड कोर्ट है यहाँ पे, आप समझ सकते हो यहाँ पे खाने पीने करेगा, और सच बता रहा हूँ ये देखो ब्रांड्स देखना आपको, ब्रांड्स कौन सा ब्रांड देखना है, गेस करो आप, जो ब्रांड बोलोगे आपको यहाँ पे मिलेगा, KFC मिलेगा, डोमिनोज मिलेगा, और कौन से ब्रांड है बस यही भी, अपने को तो दो ही आती हैं क्योंकि अपने यहीं पे मोस्टली जाते रहते हैं, KFC से मैं जाता नहीं क्योंकि नॉन एज होता हूँ, और क्या, रुको मैं आपको दिखाता हूँ पहले और ही जगह। देखो यार ब्रांड्स है, वैसे तो मेरा कैमरे का क्वालिटी थोड़ा बस लो है, बट बाकी सारी चीज़ें ओरिजिनल है, लाइट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ अगर किसी को साउथ इंडियन फूड अच्छा लगता है तो वहाँ पे साउथ इंडियन फूड भी मिल रहा है आपको, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, और क्या कहते हैं वहाँ पे फन सिटी भी है, चलो हम फन सिटी में थोड़ा हो के आते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फन सिटी में भाई, नुस्तफ़ फन है, देखो ये देखो फन सिटी, यहाँ पे सारे एक्टिविटीज हैं, गेम्स हैं,
जो आपको खेलना है वो सारे गेम्स आप खेल सकते हो। हाँ एट वन कॉस्ट के आपको पे करना पड़ेगा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कैसा है यहाँ। ये देखो यार, किसी को कुछ चाहिए? हाँ भाई, क्या ड्राइवर हाथ डाल और निकाल ले। वो जो आप लोगों ने रील्स में देखा होगा वैसे, हाँ वो हाथ वाला यही है हाथ वाला। हाँ, और यहाँ पे गाड़ी के लोग फील ले रहे हैं। और यहाँ पे टॉयज है, देखो यार भाई, कोई लड़की रहेगी यार तो उसको आप गिफ्ट दे सकते हो। पांडा पिंडा गाय है और फुटबॉल्स है वहाँ पे। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास में ये होगा, आपको चार्ज पे करना होगा, ऑब्वियसली बात है ये फ्री में नहीं होगा। एंड बैटमैन, भाई बैटमैन किसको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। बैटमैन देख सकते हो यार यहाँ पे। और यहाँ पे इनके प्राइजेस हैं, ऑफर्स हैं, जो रहेगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग गेम। अरे पांडे, ये पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, वो उसको गिरा दोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये है बास्केट करना है आपको, बॉल करना है यहाँ पे। अगर किसी को बास्केटबॉल पसंद हो आ सकता है यहाँ पे। वैसे बस यही गेम नहीं है भाई, बहुत सारे गेम्स हैं, नॉट ओनली अ सिंगल गेम, यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन। इवन अगर किसी को ट्रैम्पोलिन पार्क में अच्छा लगता है भाई, वो भी है, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए टिकट निकालना पड़ेगा, बट टिकट निकालने के मूड में नहीं, क्योंकि टाइम हमारे से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को दिखाने, एंड हम वो काम अपना कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो ये देखो यार, यहाँ पे ज़ॉम्बी का गेम अच्छा लगता है, खेल सकते हो यार यहाँ पे। ये देखो रेस, गाड़ी चलानी है यहाँ पे, खेलो। और स्पिन वाला भी है भाई, स्पिन वाला भी है। और ये जो ऊपर जाता है नीचे आता है, और ये देखो ऐसे गेम। चाइनीज़ यार, डेंगू हो जाएगा मेरे को। स्टारबक्स में जाएंगे, चल। सो अभी हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे स्टारबक्स, लेट्स सी क्या होता है, क्या है, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, मिलेगा भाई कुछ ना कुछ, तो नया नया सीखना पड़ेगा। और फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली बार हमें ट्रीट पांडे भाई को देना है, क्योंकि इस बार वो ट्रीट दे रहे हैं। सो इट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें वापस से ट्रीट दें, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो दबाओ ना यार सब्सक्राइबर वाला बटन दबा दो यार, जैसे जैसे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। सो हम आएंगे पांडे भाई को ट्रीट देने। और यार यहाँ पे ना ये देखो ब्रांड्स, भाई कौन बोलता है यहाँ पे ब्रांड्स नहीं है भाई, ब्रांड्स देखो यहाँ पे, ब्रांड्स सिर्फ यहाँ पे ब्रांड्स ही कलेक्शन है और कुछ नहीं है। सीन कैसा है ना यहाँ पे, इतना मतलब कम टाइम में ना ज़्यादा घूमने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, और बात सही भी है, इतना बड़ा मॉल है एक बार में कवर करना इट्स इम्पॉसिबल भाई, एनर्जी है कहाँ जाएंगे यार। सो देखो बेस्ट चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पुणे या महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप ज़रूर एक बार आना और यहाँ का मॉल का लुक लेना भाई, डिटो बता रहा हूँ, जैसे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वैसा ही। और इसमें बहुत कम कट्स लगाऊंगा, मतलब आपको ऑर्गेनिक मिले, मतलब जो रियल है वो रियल है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं करूँगा उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं वही दिखाऊंगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और जो सच में बहुत अच्छा है दिखाने के लिए। सो देखते हैं अभी। और ये तो आपको मैं दिखाई चुका हूँ कि ये क्या है, आपको ज़्यादा नहीं इसलिए मिले, आपको जो जो चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं आपको, तो जाओ यहाँ पे होम पे जाओ, जो चाहिए आपको शॉप फाइंडर लिखो, और यहाँ पे आपको जो चाहिए ना, जो भी चीज़ चाहिए, कपड़े चाहिए कपड़े ले सकते हो, घड़ी चाहिए घड़ी ले सकते हो, जो चाहिए वो। भाई मैं सेल्समैन बन सकूँ ऐसा लग रहा है मुझे। भाई पोज दे तू, अब लोगों को भी पता चलने दे मेरी फोटोग्राफी स्किल खराब है तेरा पोजिंग, देख रहे हो ना। और ये देखो गाइस, मैं फोटो निकाल रहा हूँ इसका, ओके। सो आपने देखा होगा कि मेरी स्किल कितनी अच्छी है, और ये कह रहा है मेरी स्किल खराब है, इसका ये पोज गलत देता है। हाँ भाई, की हो गई फोटोग्राफी कंप्लीट, हम थोड़े बहुत हम भी फोटोज ले लेते हैं यार, देखे तो हम कैसे दिखते हैं, वैसे तो इसमें अच्छा ही दिख रहा है, फिल्टर का पूरा कमाल है। चलो यार, हाँ भाई को अभी एक फोटो पसंद आया, अच्छा है, चलो एक कोई फोटो पसंद नहीं आया, बाल कटिंग बराबर लग रही है। खुद की तारीफ खुद ही कर लिया करो यार, कौन अपनी तारीफ करने वाला है। फोटोग्राफी का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी घटिया मैंने फोटोग्राफी की है भाई, बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, बट इसने बहुत अच्छे अच्छे मेरे फोटोज़ निकाले। आई होप अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वैसे गारंटी नहीं कि मिल जाएगा, क्योंकि इसकी फ़ोटो अच्छी नहीं है, तो ये मुझे बहुत कम चांसेस लग रहा है ये मुझे देगा फोटो, बट कोई बात नहीं, दिल का अच्छा है, मना के थोड़ा ले लेंगे, कोशिश करेंगे भाई, मिल जाए तो अच्छी बात है।
वैसे मेरा गला बैठ रहा है लगता है कि, और हाथ भी काफ़ी दर्द कर रहा है। मैं दवाई दूँ? क्या बोलते हैं यार, डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। वैसे तो अच्छा ही है ओवरऑल, H&M का भी स्टोर है यहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग नीचे चलेंगे, मेरे पीछे H&M का स्टोर है, जैसे कि देख सकते हो यार कितना अच्छा है। पैसे हो तो ज़रूर आना, वरना देख के ऐसे चले जाना। व्यू के नाम पे बहुत अच्छा है। अगर इसको रेटिंग करना होगा तो मैं, इससे पहले तो अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है तो इसको मैं जज नहीं कर सकता, बट इतना है कि बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार था, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेटर था। बेटर नहीं, बेस्ट बोल सकते अभी तक का बेस्ट मॉल। हाँ, मतलब जितने मॉल मैंने घूमे, वैसे तो मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, बट जितना भी घूमा है उन सब में से ये मॉल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे एंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी था। सो अगर आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी तो आप आ सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको टॉप के ही ब्रांड मिलेंगे यहाँ पे। आंडू पांडू तो आपको ब्रांड मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना बड़ा मॉल है तो यहाँ के एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे। अगर कोई प्लान कर रहा है यहाँ पे रेंट वेंट शॉप लेने का तो ले सकते हो यार, क्यों नहीं, हर एक मौका है यहाँ पे। और बैक लाइन भी है देखो, यहाँ पे बैक लाइन की कंपनी है, अमेरिकन टूरिस्टर। और मैं कह रहा हूँ ना कि अगर अब जो ब्रांड के बारे में आप सोच सकते हो ना, जो भी ब्रांड के बारे में आप सोच सकते हो, आपको यहाँ पे मिलना ही मिलना। सारे ब्रांड्स मोस्टली सारे टॉप ब्रांड है। देखो यार, रिबॉक है यार भाई, यहाँ पे रिबॉक के सारे शूज़ हैं, एकदम रनिंग वाले हैं, जी देख सकते हो, एकदम कड़क वाले एकदम शूज़ हैं। और हाँ, पूरा लिखने में आता नहीं। देखो यहाँ पे इंडियन ट्रेन है, पीटर इंग्लैंड है, एक्सेस है, ओके। और अब भूख लगी भाई, अब भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो हम व्लॉग को यहीं पे एंड करने वाले हैं, क्योंकि खाना मुझे बहुत प्यारा है और विदाउट खाना है यार व्लॉग ऑब्वियसली बातें नहीं होने वाली है। बट बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो जाएंगे बाहर, घर से बाहर जाएंगे। और देखो यार, मेरे पास ना कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, और यहाँ पे इतने ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं ना, कि मैं सब चीज़ को ना कवर ही नहीं कर पा रहा हूँ। वन ऑफ सिंगल टाइम में तो बिल्कुल आप नहीं कवर कर पाओगे, कोई भी अगर आ रहा है तो आराम से भाई 4 से 5 घंटे निकाल के आना। तो हाथ इतना दुख रहा है ना भाई, क्या कहूँ मैं आप लोगों को। हाँ हाँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी समझ में आ जाती है। चलो इट्स लाइक अ ड्रग, स्टारबक्स कहीं पे भी हो खींच लेता हूँ। लेट्स सी, हो गया है वहाँ पे चेक करने पर, हम लोग को लगता है थोड़ा बैठ जाना चाहिए क्योंकि हाँ जी बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं मेरे। और यही बस थोड़ा सा नहीं भूख लगी, 2 सेकंड आते हैं हम। कॉफ़ी तो हमने पी ली, स्टारबक्स की, बड़ी अच्छी लगी और एनर्जी भी फुल बूस्ट हो गया है, पैसे बहुत गए। हाँ यार, और जैसे यू नो यार, स्टारबक्स है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। हाँ, अगली बार मैं पार्टी दूंगा, अब जल्दी से जल्दी ये सब्सक्राइबर कम टास्क कम्प्लीट कर दो। 500 हो गया है, 424 तो बस थोड़े ही सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे 500 पहुँचने के लिए, एंड फिर वहाँ से चांसेस होंगे कि आगे के माइलस्टोन्स अनलॉक होंगे। वैसे मैंने खाने का रिकॉर्ड इसलिए नहीं, क्योंकि अमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि खाने और पीने का अगर हम लोग रिकॉर्डिंग करते वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमने वो अवॉइड किया। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकूँगा। कॉफ़ी अच्छी थी, वैसी आती जहाँ हर जैसे हर जगह की आती है कॉफ़ी। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, साइन आउट कर रहे हैं। अमेजिंग फीलिंग वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग था मेरा ये। और यहाँ पे ना आप जहाँ पे भी उतरना ना, पार्किंग का भाई नंबर याद कर लेना, क्योंकि हमें अब वही कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम लोग जाए कहाँ पे। यहाँ पे देखो जो बिल्डिंग्स पे नंबर लिखे हैं ना, पांडे B2E26। हाँ, तो देखो यार यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो पार्किंग का तो आपको जगह भी मिल जाता है, 30 रुपये लगता है पार्किंग के लिए। अगर आपका 4-व्हीलर होगा तो उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है अभी इसलिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, खाना पीना तो हो चुका है, और वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग रहा और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े चीज़ थे यहाँ, क्या बताऊँ मैं। बट हाथ और पैर दोनों दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मोस्टली करना थोड़ा हार्ड पड़ गया था मेरे लिए। और इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं ये, मैं पहली बार इतना ज़्यादा व्लॉग भी किसी व्लॉग में इतना ज़्यादा बोला हूँ। 2 से 3 घंटे घूम चुके हैं, 2 से 3 घंटे घूम चुके हैं। हाँ, हमारी गाड़ी पीछे रह गई फिलहाल। हाँ, गाड़ी पीछे रह गई भाई, बता रहा हूँ मैं आपको यार। देखो यार गाइस, यहाँ मैंने ऐसे 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 बिल्डिंग्स का नंबर, मतलब नंबर लिखा है, वो B2 है, B26। तो अगर आप गाड़ी पार्क करो, कहीं भी गाड़ी पार्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जहाँ भी पार्क करो नंबर याद रखो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी गाड़ी, अगर आप गाड़ी भूल जाओगे तो फिर कैसे जाओगे। चलो गाइज, अभी हम लोग ब्लॉग एंड कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घर पे, और सी यू सून। अगर आपको वीडियो, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मस्ट श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर करना फिर आपका जो भी पार्ट रहेगा। एंड यहाँ पर आते समय अपना ध्यान साना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्कल में इन लोगों ने किया है पार्किंग के लिए। सो मैं करता हूँ यहीं पे ब्लॉग एंड। सी यू टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।